समंदर में हूती विद्रोहियों ने आतंक मचा रखा है और हूती विद्रोहियों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि लाल सागर में आतंक मचा रहे हूती विद्रोहियों पर आखिर लगाम कैसे लगेगी, और इन सभी सवालों के बीच भारतीय सेना हूतियों के लिए काल बनी हुई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। दुनिया में रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है, और अब तो ईरान, इजराइल के बीच भी युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, जिसका असर अब समंदर में भी दिखने लगा है। और इसी वजह से भारतीय सेना लगातार समंदर में एक्टिव है, क्योंकि अक्सर ईरान समर्थित हूती तेल के टैंकरों पर हमला कर देते हैं और पोतों को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं, और एक बार फिर हूती विद्रोहियों ने ऐसा ही किया। दरअसल भारत की तरफ बढ़ रहे ऑयल टैंकर शिप पर हूती विद्रोहियों ने मिसाइल से हमला कर दिया, लेकिन तुरंत भारतीय नौसेना एक्टिव हो गई और शिप को सुरक्षित निकाल लिया। दरअसल कच्चे तेल के जहाज एवी एंड्रोमेडा स्टार पीएम पर हमला हुआ। कच्चे तेल के टैंकरों से भरे जहाज पर पनामा का झंडा लगा था। इस जहाज पर हूती विद्रोहियों ने मिसाइल से हमला किया। इसकी सूचना मिलते ही भारतीय नौसेना ने इस जहाज को रोक लिया। इसके बाद नेवी के हेलीकॉप्टर शिप के ऊपर गश्त करने लगे, जिसके बाद भारतीय नौसेना के INS कोच्चि ने 30 क्रू मेंबर को सुरक्षित बचा लिया, जिसमें 22 भारतीय थे। खैर, ये कोई नई बात नहीं जब ऐसा हुआ हो, क्योंकि समंदर में हूती विद्रोहियों ने आतंक मचा रखा है, लेकिन बस भारतीय सेना के सामने हूती विद्रोहियों की दाल नहीं गल रही, क्योंकि अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक ने हूती विद्रोहियों पर लगाम लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हाल ही में खबर आई थी कि अमेरिका और ब्रिटेन की सेना ने साथ मिलकर हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके पर हमला किया था। हमले 36 ठिकानों पर किए गए थे। इसमें हथियार रखने की जगह मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम और रडार से जुड़ी साइट्स भी शामिल थी। अब ऐसे में यह भी सवाल उठा कि क्या अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा और हॉलैंड की अंतर्राष्ट्रीय टास्क फोर्स हूती विद्रोहियों का सामना कर पाएंगी या फिर नहीं, क्योंकि हूती विद्रोहियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। वो दिन पर दिन ताकतवर होते जा रहे हैं, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इस सवाल का जवाब आगे हम आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको समझना होगा कि आखिर ये हूती विद्रोही कौन है। दरअसल बात 1980 के दशक की है, जब यमन के तत्कालीन राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला साले के भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में माहौल बन रहा था। तभी वहां के आदिवासी समुदाय ने एक संगठन खड़ा किया, जो राष्ट्रपति के खिलाफ एकजुट हुआ। इसके संस्थापक थे शिया जैदी समुदाय के हुसैन अल हूती, उन्हीं के नाम पर संगठन का नाम पड़ा और विद्रोहियों को हूती विद्रोही कहा जाने लगा। देखते ही देखते संगठन सरकार से टकराने लगा। सरकार से हूती विद्रोहियों ने कई युद्ध लड़े। ये संगठन हमास और लेबनान के हिजबुल्ला का बड़ा समर्थक माना जाता है। यमन में शिया जैदी समुदाय अल्पसंख्यक है, इसके बावजूद हूती विद्रोही 2014 में वहां राजनीतिक रूप से काफी मजबूत हो गए और 2015 में तो सादा प्रांत और राजधानी सना पर कब्जा भी कर लिया था। राजधानी पर कब्जे के बाद वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति और अली अब्दुल्ला साले के उत्तराधिकारी अब्दरबू मंसूर हादी विदेश भाग गए। इस पर पड़ोसी देश सऊदी अरब ने अपनी सेना भेजकर विद्रोहियों को भगाने का काम किया। इसमें UAE और बहरीन ने भी सऊदी अरब का साथ दिया। हूती संगठन के लोग इस बात से काफी गुस्से में आ गए थे। नतीजा ये हुआ कि संगठन के लड़ाकों ने साल 2017 में अली अब्दुल्ला साले की हत्या कर दी और यमन की ज्यादातर आबादी पर अपना नियंत्रण कर लिया, क्योंकि इस इलाके की जनता भी इनका साथ देती है। वहां इन्हें विद्रोही नहीं माना जाता, ये आम जन के हमदर्द माने जाते हैं। अब क्योंकि हूती विद्रोही ही सऊदी अरब के निशाने पर रहते हैं और ईरान भी सऊदी अरब को अपना दुश्मन मानता है, इसलिए दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली कहावत को यहां सही कहा जा सकता है, क्योंकि ईरान हूती विद्रोहियों का समर्थन लगातार करता रहा है, उसी के जरिए हूती विद्रोहियों को ताकत मिलती है। अमेरिका और सऊदी अरब के दावों की माने तो ईरान ही इन विद्रोहियों को हथियार मुहैया कराता है। इन दोनों देशों का तो यहां तक दावा है कि ईरान ने विद्रोहियों को बैलिस्टिक मिसाइलें तक मुहैया करा रखी हैं, जिनसे 2017 में सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर हमला भी करवाया गया था। वहीं सऊदी अरब का यह भी कहना है कि ईरान ने हूती विद्रोहियों को क्रूज मिसाइलें और ड्रोन भी दिए हैं, जिनसे सऊदी अरब के तेल कारखानों को 2019 में निशाना बनाया गया था। हालांकि ईरान ने ऐसे आरोपों को कभी स्वीकार नहीं किया। अपनी शक्तियों के दम पर हूती विद्रोही लाल सागर के बड़े तटीय क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं। यहां उनके लिए जहाजों को निशाना बनाना आसान होता है।
अब क्योंकि दुनिया भर के तेल व्यापार का 12% हिस्सा लाल सागर के जरिए ही आता जाता है, इसलिए हूती विद्रोही कच्चे तेल के जहाजों को निशाना बनाते हैं। इसके जरिए हूती विद्रोही पूरी दुनिया को और खासकर सऊदी अरब पर दबाव बनाना चाहते हैं, क्योंकि यमन की सरकार वहीं से चलती है। हूती विद्रोही सऊदी अरब से छूट चाहते हैं, यानी हमलों के जरिए हूती विद्रोही ये जताना चाहते हैं कि वो कभी भी लाल सागर के रास्ते को बंद कर सकते हैं। ऐसा करने से तेल के कारोबार में रुकावट आएगी और दुनिया भर में तेल के दाम बढ़ जाएंगे, जिसके कारण सऊदी अरब पर और दबाव आएगा। वहीं इजराइल के जहाजों को इसलिए निशाना बनाया जाता है क्योंकि हूती खुद को हमास का समर्थक बताता है। ऐसे में इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के दौरान वो अपनी दोस्ती भी दर्शाना चाहता है। अब ऐसे में हूती विद्रोही अमेरिका जैसे बड़े देशों और दुनिया के लिए सिरदर्द बन गया है। हालांकि अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर हूती विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई भी की, लेकिन क्या इस कार्रवाई से हूती विद्रोही पीछे हट जाएंगे? तो इस सवाल का जवाब है नहीं, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है कि ऐसे पहले भी कार्रवाई की जाती रही, लेकिन हूती विद्रोही कमजोर नहीं ताकतवर होते गए और पश्चिम देशों को लाल सागर में परेशान करते रहे हैं। और एक बार फिर जहाज पर मिसाइल से हमला किया गया, जिससे सवाल उठा कि क्या हूती विद्रोहियों पर लगाम नहीं लगाई जा सकती और क्या वो यूं ही लगातार आतंक मचाता रहेगा, क्योंकि अभी की तस्वीर तो यही गवाही दे रही है और तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोला करती। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।